आए हैं कामिका एकादशी व्रत का महत्व, पूजन विधि और व्रत कथा। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है और इस एकादशी को बहुत ही विशिष्ट माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रीहरि का विधिवत पूजन करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके महत्व से। इस एकादशी के मात्र महात्म्य श्रवण से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु जी का पूजन करता है और भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, उसको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार का है कि जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से एवं सिंहस्थ गुरु में श्री गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो कि श्री कृष्णचंद्र जी के पूजन के द्वारा इस दिन प्राप्त की जाती है। इस एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना दोनों का फल समान होता है। अतः पाप में लिप्त एवं असार रूपी संसार में फंसे हुए मनुष्यों को स्वयं के उद्धार के निमित्त इस एकादशी के दिन अनेकों प्रयत्न पूर्वक व्रत करके भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। आध्यात्म विद्या जिनको ज्ञात है उनको जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होती है। इस एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति प्राप्त की। अस्तु सच्चरित्र मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत आवश्यक है। एक बार के सुवर्ण दान से या उससे चतुर्गुण चांदी दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान का पूजन किया है वे अपने जन्म जन्मांतरों के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को रात्रि में भगवान को दीपदान करता है उसकी फल प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि पर्यंत भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करता है उसके पितर लोगों को भी अमृत प्राप्त होता है। घृत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को इस एकादशी के प्रभाव के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार की पापिनाशिनी एकादशी के व्रत को हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान बातक हैं, वे शीघ्र छूट जाते हैं और व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत विधि। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से आरंभ हो जाता है, तो दशमी तिथि के दिन व्यक्ति को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और दिन में सिर्फ एक बार आहार ग्रहण करना चाहिए। भोजन संबंधी सात्विकता के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और रात्रि में भगवत चिंतन करते हुए शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद श्री हरि के विग्रह का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि पदार्थ निवेदित करके आठों प्रहर निर्जल रह करके भगवान विष्णु के नाम का स्मरण और संकीर्तन करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बहुत महत्व होता है, इसलिए पारण से पहले यानी कि द्वादशी तिथि से पूर्व आपको ब्राह्मण को भोजन करवाना और उन्हें दक्षिणा सहित विदा करना आवश्यक है। इसके पश्चात ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी में रात्रि जागरण का भी बहुत विशिष्ट महत्व होता है, तो एकादशी की रात्रि में श्रीहरि के समक्ष जागरण अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन बहुत पुण्यदायी माना जाता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण का श्राद्ध कर्म उसने करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने उसके घर में भोजन करने से इनकार कर दिया।
तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा यह पाप कैसे दूर होगा। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने के लिए कहा था। एक रात्रि में जब भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु ने दर्शन दिए और उसके सभी पापों को दूर करके उसे क्षमा दान